तो ये कहानी है महर्षि कश्यप, दीति एंड और अदिति की। दक्ष प्रजापति की कन्या थी दीति और अदिति। कश्यप ऋषि के साथ उन दोनों का विवाह हुआ था। अदिति विनय पूर्वक महर्षि कश्यप की सेवा करती थी और सर्वगुण संपन्न थी। अदिति ने इंद्र को जन्म दिया, वह तेजस्वी था। दीति ने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को जन्म दिया, जिनका वध भगवान विष्णु ने किया। दीति बदला लेना चाहती थी और एक बच्चा चाहती थी जो इंद्र को मार डाले। दीति ने बहुत समय तक अपने पति की सेवा की और उनसे वरदान मांगा। वरदान में दीति ने महर्षि कश्यप से एक तेजस्वी पुत्र की याचना की। महर्षि कश्यप जानते थे कि दीति का इरादा क्या था। तब महर्षि ने पयोव्रत नामक उत्तम व्रत करने का उपाय दीति को प्रदान किया। उन्होंने यह भी कहा कि यदि व्रत का ठीक से पालन नहीं किया गया तो बच्चा इंद्र का मित्र बन जाएगा। महर्षि की आज्ञा अनुसार दीति ने उस व्रत को किया। अदिति ने इंद्र को बुलाया और कहा कि कुछ कौशल का प्रयोग करो ताकि दीति का तप भंग हो जाए। इंद्र ने अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग किया और दीति से कहा, हे माता, व्रत के कारण आप अत्यंत दुर्बल हो गई है, अतः मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। जिस प्रकार बहेलिया हिरण को मारने के लिए हिरण किसी सूरत बनाकर उसके पास जाता है, वैसे ही देवराज इंद्र भी कपट वेश धारण करके व्रत परायणा दीति के व्रत पालन की त्रुटि पकड़ने के लिए उसकी सेवा करने लगे। एक दिन व्रत के नियमों का पालन करते करते बहुत दुर्बल हो गई। दीति से इंद्र ने कहा, माता, मैं आपके चरण दबाऊंगा। ऐसा कहकर इंद्र उनके दोनों चरण पकड़कर दबाने लगे। चरण दबने से दीति को बहुत सुख हुआ और उसे नींद आने लगी। उस दिन वह पैर धोना भूल गई और बाल खोले खोले ही सो गई, जिससे दीति का तप भंग हो गया। परंतु इंद्र को इस बात का अब भी संशय था। दीति को नींद के वशीभूत देखकर इंद्र योग बल से अत्यंत सूक्ष्म रूप बनाकर हाथ में शस्त्र लेकर बड़ी सावधानी से दीति के उदर में प्रवेश कर गए और वज्र से उस गर्भस्थ बालक के साथ टुकड़े कर डाले। तब वे सातों टुकड़े सूर्य के समान तेजस्वी सात कुमारों के रूप में परिणत हो गए। वज्र के आघात से गर्भस्थ शिशु रोने लगे। तब दानव शत्रु इंद्र ने उसमें, मां रुद मत रो, कहा। फिर इंद्र ने उन सातों टुकड़ों से सात सात टुकड़े और कर दिए, 7x7। इस प्रकार 49 कुमारों के रूप में होकर वे जोर जोर से रोने लगे। तब उन सबों सबों के ने हाथ जोड़कर इंद्र से कहा, देवराज, तुम हमें क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारे मित्र मरुत गण हैं। छली इंद्र द्वारा अपने गर्भ को विकृत किया जानकर दीति जाग गई और दुख होकर क्रोध करने लगी। यह सब मेरी बहन अदिति द्वारा कराया गया है। ऐसा जानकर दीति ने कुपित होकर अदिति और इंद्र दोनों को ही शाप दे दिया कि इंद्र ने छल पूर्वक मेरे गर्भ छिन्न भिन्न कर डाले, उसका त्रिभुवन का राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार अदिति ने मेरे गर्भ को नष्ट करवा डाला है, उसी प्रकार उसके पुत्र भी क्रमशः उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाएंगे और वह पुत्र शोक से अत्यंत चिंतित होकर कारावास में रहेगी। तब कश्यप जी ने दीति को शांत करते हुए कहा, देवी, तुम क्रोध मत करो। तुम्हारे ये 49 पुत्र मरुत देवता होंगे जो इंद्र के मित्र बनेंगे। तुम्हारा शाप द्वापर युग में सफल हो जाएगा। शाप के प्रभाव से ही द्वापर युग में कश्यप ऋषि का वसुदेव के स्वरूप में, अदिति का देवकी के रूप में,
के पुत्रों की कारागार में कंस ने हत्या कर दी। तत्पश्चात अष्टम पुत्र विष्णु ने के अवतार भगवान श्री कृष्ण का